आगे से आगे से थोड़ा सा। ये बहुत ही निंदनीय घटना है एक तरह से, और इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी माँ बाप जो है जिनके बच्चे इस तरह से अपनी पसंद से शादी करने का कदम उठाते हैं वो उनसे नाराज हो सकते हैं, वो उनको समझा सकते हैं, परंतु इस तरह से उनकी जान लेना ये किसी को कोई अधिकार नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। लड़की का जिससे शादी का रिश्ता बना था और जो शादी अभी नल एंड वाइड नहीं हुई है, तो उस परिवार ने चाहा कि वो उसका संस्कार करें, परंतु गांव की जो पंचायत है उसने ये फैसला किया कि उसका संस्कार इस गांव में नहीं किया जाएगा। वो जो अधिकारी है SI थे वो नरेंद्र, उन्होंने अपनी जान दे दी उसको बचाने के लिए। ये भी पहली बार ही ऐसा हुआ है हरियाणा में, और असल में बुनियादी वजह ये है कि जो इस तरह की हिंसा जो है इसको इज्जत के साथ जोड़ा जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि इज्जत के दायरे से निकाल के इसको जो है अपराध के दायरे में डाला जाए। जिस तरह से हमारे 12 साल के बेटियों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया, उसी तरह से ओनर किलिंग के खिलाफ एक कानून बने, ताकि इस तरह की घटनाएं जो ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में जहां पे भी हो रही हैं, उनके ऊपर लगाम लगे और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। वो चाहते हैं कि समाज में जाति व्यवस्था बनी रहे, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए, महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट न दिया जाए। इन सब को बनाए रखने के लिए वो इज्जत के नाम पर लड़के और लड़कियों की हत्याएं कर रहे हैं। ये हत्याएं बंद होनी चाहिए और इन हत्याओं के साथ इज्जत नहीं जुड़ना चाहिए। ये घोर अपराध है, अपराधियों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए।